Feroz, 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 आज हिंदुस्तान में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कोई अल्टरनेटिव है वो है सिर्फ कांग्रेस। सिर्फ कांग्रेस पार्टी से पॉसिबल है बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हटाने का। रही बात बीजेपी पार्टी, एक जुमला हर वक्त नरेंद्र मोदी बात करते, जुमलों की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी का नारा है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसका विकास हुआ? आज मुख्तसर बात करता हूँ, नॉमिनेशन डाल के आया हूँ। 2 करोड़ नौकरी देते बोले, किसको मिली नौकरी? आप ब्लैक मनी लेके आते बोले, आप जीएसटी डिमोनेटाइजेशन करके टैक्स टेररिज्म को मैं खत्म करूंगा बोले आप, मगर इन रिटर्न क्या हुआ? जो ब्लैक मनी जिसके पास है, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय मालिया, चौकसी, आप सबको बाहर भेजा दिए। आप ब्लैक मनी लाके 15 लाख रुपीज हर एक इंडिविजुअल के नाम पे बैंक अकाउंट में डालते बोले आप, डाले आप डिमोनेटाइजेशन करें, जीएसटी लाए, उसे क्या हुआ? पूरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कई फैक्ट्रीज, कई इंडस्ट्रीज बंद हो गए, कई लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की आमदनी का जरिया खत्म कर दिया आप। जो पैसे वाला है और पैसे वाला बन रहा, गरीब के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद में आप बात करते करप्शन की, आप रफेल डील, हवाई जहाजों की जो डील करे आप, उसमें आप 40,000 करोड़ खा लिए। कश्मीर के इशू को आप सॉल्व नहीं कर सक रहे, और हर वक्त सबसे बड़े आप झूठे साबित हुए। आप जुमलों पे जुमला, और जितने भी आप वादे करें आपके मैनिफेस्टो में, आप एक भी वादा पूरा नहीं करें। और साथ साथ नफरत, बीजेपी हर टाइम डिवाइड एंड रूल करी अंग्रेजों की तरह। और रही बात यहां से, मैं हमारे स्टेट को आ जाऊं, हमारी टीआरएस पार्टी, हमारे केसीआर साहब, नरेंद्र मोदी अगर से पहला झूठा है तो केसीआर साहब सेकंड झूठे। केसीआर प्लस एमआई बीजेपी की बी टीम है। और आप देखिए, जैसा नरेंद्र मोदी को मेजॉरिटी फॉर्म करने के लिए जैसा एमपीस कम होंगे, तेलंगाना से केसीआर और आंध्र प्रदेश से जगनमोहन रेड्डी दोनों मिलके जाके अपने एमपीस देके वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। और रही बात, मैं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आपके सामने रखूंगा, और हमारा और मेरा एक ही नारा है, डेवलपमेंट ओल्ड सिटी को कैसा करना, कैसे रास्ते लेके आना, फंड्स कैसा लाना, और ओल्ड सिटी को डेवलप कैसा करना। बीजेपी के पास कभी भी मैनिफेस्टो रहता, केसीआर के पास, टीआरएस के पास मैनिफेस्टो रहता। आप एक पॉइंट नोट करिए, एमआईएम के पास कभी मैनिफेस्टो नहीं रहता। आप उनको स्मार्ट बोल लो या आप उनको शाना बोल लो, अरे कोई चीज हम लीकेज नहीं दे रहे हैं तो हम आपको पकड़ेगा कौन? ना पब्लिक का डर है, ना अल्लाह का डर है। और झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी, नंबर 1 पोजीशन, गोल्ड मेडलिस्ट, 2nd केसीआर साहब सिल्वर मेडल, उसके बाद में हमारे असदुद्दीन साहब ब्रॉन्ज मेडल। आवाम को सब की एक सोच लेके आपके बीच में आता हूं, मेहरबानी करके आपके वोट का पावर समझिए। एक ईमानदार और जो आपके हैदराबाद को डेवलप कर सकता,
ऐसी शख्सियत को आप वोट डालिए। अगर से आप महसूस करते कि कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान करते, आप मेरे को डालिए, नहीं मेरे से कोई बेहतर होता तो आप उसको डालिए। मगर मेहरबानी करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप काम करिए। मेहरबान करके काना और आंख मत बंद करिए, और जो आपको झूठ बोल रहे और धोखा कर रहे उनको आप समझिए।